आरआरआर टीम ने सलमान की एंट्री पर दिया स्टैंडिंग ओवेशन। तेलुगु सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर इन दिनों साउथ इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी धूम मचा रही है। फिल्म को लेकर देखने को मिल रहे इस क्रेज से लगता है कि ये फिल्म एक बड़ी सफलता अपने नाम हासिल करेगी। फिल्म को लेकर अभी से ही दर्शकों ने फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म को ब्लॉकबास्टर करार दिया है और अब आरआरआर फिल्म की इस टीम के साथ सलमान का भी नाम जुड़ गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि सलमान वैसे तो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब से सलमान आरआरआर फिल्म के प्रमोशन में देखने को मिले हैं, बस तभी से लोगों ने सलमान को आरआरआर फिल्म की टीम के साथ जोड़ दिया है और ऐसा महसूस कर रहे लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। यहां तक कि ये भी जानकारी मिली है कि एसएस राजामौली के पिता सलमान के लिए बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस न्यूज में हम आपको सलमान को लेकर एक खास बात बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान आरआरआर के प्रमोशन के लिए जब गए थे और स्टेज पर उनकी एंट्री हुई थी तो वहां पर मौजूद सभी आरआरआर टीम ने सलमान का स्टैंडिंग ओवेशन किया। सलमान की इस एंट्री पर आरआरआर टीम का ये रिएक्शन देख सलमान के फैंस काफी खुश नजर आए। वैसे तो सलमान की हर कोई कदर करता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री से हो, और आरआरआर टीम का सलमान पर ये रिएक्शन लोगों को काफी अच्छा लगा। आरआरआर फिल्म एक बड़ी फिल्म है जो अगले साल की 7 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और ये शानदार फिल्म को डायरेक्ट किया है एसएस राजामौली ने और इस फिल्म में एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। हाई बजट में बनी ये फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।